हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है? वेल, मेरे मुंह से भी आता था, लेकिन अब नहीं आता है। क्योंकि दोस्त, जब आप पर्दे के पीछे इनकी असलियत देखोगे तो आपके मुंह से भी नहीं आएगा। क्योंकि जैसे आपको बताया, जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। इन खाने के आइटम्स को टेम्प्टिंग बनाने के लिए एडवर्टाइजर्स अक्सर सारी हदें पार कर देते हैं। वेल, क्या आपको बताया इन कमर्शियल एड्स के पर्दे के पीछे क्या होता है? खुद ही एक झलक देख लीजिए। कितना टेस्टी दिख रहा है, राइट? सीरियल बोल, पर काश हम इसे खा पाते, क्योंकि डूड, इट्स नॉट दूध। वेल, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे तो टॉयलेट क्लीनर, शू पॉलिश, डिओड्रेंट और ना जाने क्या क्या आइटम में क्या क्या कांड होते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ कुछ एडवर्टाइजर्स तो आपसे एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। रोबोट से लेकर फूड स्टाइलिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर से लेकर डायरेक्टर, पूरा का पूरा क्रू ही बुक किया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है इन कमर्शियल एड्स के पीछे, और ये क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करते हैं? क्या आप भी ये सारी चीजें नहीं जानना चाहेंगे? सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करते हैं कुछ कमर्शियल एड्स का पर्दाफाश। एंड बी रेडी फॉर अपकमिंग सरप्राइजेस। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो टाइटल, टेक अ लुक एट हाउ दीज कमर्शियल्स वर मेड। नंबर वन, पिज्जा। अब दोस्तों, ये चीजी पिज्जा देखकर सच में मुझे भी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। पर रुकिए, ये पिज्जा जैसा दिखता है वैसे असल में है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। और इसकी एक बाइट तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर स्क्रू एक ग्लू की तरह आपके मुंह के अंदर चिपक जाएगी। आई एम सीरियस फ्रेंड्स, देखो पर्दे के पीछे क्या होता है। स्क्रू को लिटरली पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जा रहा है, जिससे ऊपर लगाए हुए टॉपिंग्स ज्यादा उभर कर दिखे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो पिज्जा का चीज है बॉस, एकदम अलग लेवल का चीज जो यहाँ पर ग्लू है। मोज़रेला चीज जो इस ग्लू के साथ मिलाया जाता है और पता नहीं क्या बनाया जाता है। दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन कैन यू बिलीव इट, इमेजिन ये पिज्जा जो आपको दिखाया जा रहा है आपको खिलाया भी जाता तो। नंबर टू, केक्स। वेल फ्रेंड्स, केक्स और पैनकेक्स किसे नहीं पसंद, और ये कमर्शियल्स वाले बिना ऐसे माउथ वाटरिंग बनाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। जस्ट इमेजिन ये खूबसूरत सा केक जो आप देख सकते हो, जैसे आप इसे खाने जाते हो, हाफ बाइट में ही आपके दांत अटक जाते हैं एक कार्डबोर्ड में। बिल्कुल दोस्त, कमर्शियल एड्स वाले केक्स कुछ इसी तरीके से सजाए जाते हैं, जिससे आपका केक एकदम फुलफिलिंग लगे। और ठीक इसी तरह पैनकेक्स को भी सजाया जाता है विद अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्विस्ट। बीच में कार्डबोर्ड्स रखकर साइज तो इंक्रीज किया ही जाता है, पर अब देखो पैनकेक्स के ऊपर क्या डाला जा रहा है। ये कोई मेपल सिरप नहीं है, बल्कि इंजन ऑयल है। वही ऑयल जो गाड़ियों के इंजन में डाला जाता है। मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी डालो, बस दिखना अच्छा चाहिए। ऑडियंस तो है ही जो इसे देखकर इसे ही खाने आएंगे। नंबर थ्री, हेयर स्प्रे। अब दोस्तों, जब बात आती है हेयर स्प्रेस की, तो ट्रस्ट मी, इसका बालों से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो केवल खाने से है, और खाने से मेरा मतलब है फ्रूट्स से। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स उन कमर्शियल्स में देखते हो, उन सभी फ्रूट्स में ही वही हेयर स्प्रे मारा जाता है। और अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों, तो वेल, हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट्स एकदम फ्रेश और शाइन करने लगते हैं। तो चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो या चेरीज ऑन टॉप ऑफ द केक, ऐसी शाइन उन पर होने से प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। इनफैक्ट हेयर स्प्रे के जगह पे कई बार डिओड्रेंट भी इन फ्रूट्स पर यूज किया जाता है, और ये भी वही शाइन एंड फ्रेशनेस देता है। लेकिन दोस्तों, सैडली ये सिर्फ कमर्शियल्स तक ही सीमित नहीं है, इवन रियल के मार्केट्स में भी आज आपको खुलेआम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही टेक्निक यूज किए जाते हैं। किसी पे स्प्रेस, किसी पे वैक्स, तो किसी पे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। सो बीवेयर व्हाइल परचेसिंग एनी फ्रूट। नंबर फोर, बर्गर्स। वेल फ्रेंड्स, जब जंक फूड की बात आती है तो हम बर्गर्स और फ्राइज को कैसे भूल सकते हैं? और ट्रस्ट मी, ये कमर्शियल्स देखने के बाद तो ये आपको भूलने भी नहीं देंगे। इस महिला को ही देख लो, ये भुक्कड़ कमर्शियल वाला बर्गर खाने जा रही है। एंड आउच, कांटा लगा। किसने सोचा होगा ऐसा बर्गर टूथपिक के सहारे बनाया होगा? आई मीन लिटरली इन टूथपिक्स के सहारे ये बर्गर्स इतने बड़े और फुलफिलिंग नजर आते हैं। और ऐसा ही सेम कुछ फ्राइज के साथ भी होता है। और क्या आपको बताया, इन फूड कमर्शियल्स में फूड स्टाइलिस्ट होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फूड ड्रेसर्स। ये फूड ड्रेसर्स साइंस को यूज करके खाने को एकदम मोस्ट प्रेजेंटेबल वे में, जहाँ पे आपके मुंह से पानी निकले, प्रेजेंट करते हैं। कई बार तो इन्हें फूड को ड्रेस करते करते घंटे भी लग जाते हैं।
हैं और कांटा भी लग जाता है, और कई बार तो ये फूड स्टाइलिस्ट हद ही पार कर देते हैं। अब आप भी बताओ, कोई पेटिस में शू पॉलिश मारता है क्या? ये पेटिस तो ग्रिल भी नहीं किया जाता, ऊपर से ही शू पॉलिश मार के उसे ग्रिल इफेक्ट देते हैं। बिल्कुल दोस्त, कमर्शियल में ये सब चलता है, यहाँ तक कि रोबोट्स भी। ट्रस्ट मी, रोबोट्स लिटरली यूज किए जाते हैं ये वर्चुअल इफेक्ट को पाने के लिए, और इसके पीछे की मेहनत और खर्चा दोनों जबरदस्त है। नंबर 5, ड्रिंक्स। अब दोस्तों, दुनिया में पीना किसे नहीं पसंद, और पीने वाले यूजुअली दो टाइप के होते हैं, एक जो दारू पीता है और दूसरा जो कोक पीता है। मैं तो दोनों पीता हूँ, और इसीलिए आज मैं आपको दोनों के कमर्शियल एड ट्रिक्स बताऊंगा। वेल फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, टॉयलेट क्लीनर्स और लिक्विड सोप्स की जगह सिर्फ किचन या टॉयलेट में नहीं होती है, बल्कि आपके ड्रिंक्स में भी होती है। ये कमर्शियल वाले यही तो करते हैं, बियर में जरा लिक्विड सोप डालो और देखो झाग। ये क्लीनिंग एजेंट्स एक्चुअली में एक सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं जो ड्रिंक को नेचुरली काफी अट्रैक्टिव बनाता है। और जब बात कोक की आती है तो वेल, इसमें तो ट्रिक्स ही ट्रिक्स है। जैसे आपको पता होगा, बॉटल खोलते ही कोक के बबल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो अगर आपको कोक में बबल्स को वापस लाना है तो क्या किया जाए? Well, इन फोटोग्राफर्स की तरह उसमें बस एंटासिड डाल दो, यही दवाई की गोली, और देखो आपके कोक में भी कैसे बबल्स वापस से उत्पन्न होने लगते हैं। एंड जैसे कि आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि आइस क्यूब्स जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, सो कोक कमर्शियल्स में अक्सर प्लास्टिक आइस क्यूब्स का यूज किया जाता है। और जब बर्गर कमर्शियल्स में रोबोट्स यूज किए जा सकते हैं, तो कोका कोला कोई छोटा आदमी थोड़ी ना है बाबा। इसके पीछे की मेहनत तो आप देख ही सकते हैं, और फाइनली ये सब करने के बाद फाइनल एड कुछ ऐसा दिखेगा। When you get what you want, but not what you need. क्यों, बुझ गई ना आपकी भी प्यास? नंबर 6, हेयर। अब दोस्तों, जितना पेट के लिए खाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही सर के लिए बाल इंपॉर्टेंट है, और आपके बाल को बाल बाल बचाने के लिए कई सारे हेयर कमर्शियल सामने आते हैं, और ये क्लेम करते हैं कि अच्छे बालों का एक ही सोल्यूशन है, और वो है हमारा प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स, इस कमर्शियल में दिखाए जाने वाले लॉन्ग सिल्की और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एप्रोप्रिएट लाइट सेटअप, एक ग्रीन स्क्रीन जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, और सेम ग्रीन कलर में कुछ कॉस्ट्यूम्स की जरूरत है। बालों को ग्लॉसी और शाइनी दिखाने के लिए उसे सबसे पहले स्ट्रेट करें, और बीच में से प्रॉपर फिल्टर वाली लाइट पास करें, और अब बालों को हवा में लहराने के लिए काम आते हैं ये ग्रीन कॉस्ट्यूम्स। पर कैसे? Well, ऐसे एक स्टिक या मेटालिक हुप से बालों को फ्लिक और स्विश किया जाता है, और फाइनली एडिटिंग के थ्रू ग्रीन बैकग्राउंड और ग्रीन कॉस्ट्यूम को दोनों को हटा दिया जाता है। So friends, ये होता है पर्दे के पीछे टेक्नोलॉजी का कमाल, कोई प्रोडक्ट का नहीं। नंबर 7, डियोड्रेंट। अब दोस्तों, जब बात डियो की आती है तो ओल्ड स्पाइस डियो का कमर्शियल सबका बाप है। ये ऑडियंस से एक अलग ही लेवल का कनेक्शन बना लेते हैं सिर्फ अपने कमर्शियल के थ्रू। जस्ट हैव अ लुक, ये एड काफी यूनिक है, और इनफैक्ट फ्रेंड्स, इसका यूनिक एड ही इसका एक सेलिंग पॉइंट भी बन जाता है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन ये पूरे का पूरा एड सिर्फ वन शॉट में ही कंप्लीट किया गया है। जस्ट वन शॉट और शूट खत्म। पर क्या आपको इसके पर्दे के पीछे की मेहनत पता है? इस मॉडल एक्टर को इनविजिबल वायर से सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये बंदा तो बस एक ही जगह पे आराम से खड़ा, कहीं मूव नहीं हो रहा, पर अलग अलग बैकग्राउंड वॉल्स कभी इसके आगे, कभी इसके पीछे, कभी दाएं बाएं मूव कर रहे हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी ये एड बड़ी आराम से बस सिर्फ एक ही शॉट में कंप्लीट किया गया। कूडोस फॉर दैट। नंबर 8, आइसक्रीम्स। अब पेट पूजा होने के बाद फाइनली इट्स टाइम फॉर सम डेजर्ट। आइसक्रीम कमर्शियल वाले आइसक्रीम्स इतने माउथ वाटरिंग होते हैं कि एक सेकंड के लिए तो हम भूल ही जाते हैं कि आइसक्रीम साले कभी मेल्ट ही नहीं होते। Let's go.
मेल्ट होंगे भी कैसे? वैनिला के जगह पे शेविंग क्रीम जो डाला है। वेल ऐसे शेविंग क्रीम फ्लेवर वाले आइसक्रीम से डेजर्ट तो क्या, मेन कोर्स और स्टार्टर सब बाहर आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, किसने सोचा था कि एक दिन आलू भी आइसक्रीम्स में यूज होगा। ये कमर्शियल वाले लिटरली आइसक्रीम को मैश्ड पोटैटो से रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट, आइसक्रीम कभी मेल्ट नहीं होगी, और दूसरा, ऊपर से फूड कलरिंग मिला लो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आलू है। अब जरा इमेजिन करो कैसा लगेगा अगर ऐसी शेविंग क्रीम और आलू वाली आइसक्रीम आपके मुंह में जाए तो। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है, मगर जो दिखता है वो मिलता किधर, चाहिए भी नहीं। So friends, ये थे कुछ behind the scenes tips and tricks of commercial ads, जो हम जैसे audience को products buy करने में विश्वास दिलाते हैं। और दोस्तों, commercials कभी भी सस्ते नहीं होते, भारी भड़कम खर्चे involved होते हैं इनमें। एक छोटे से 30 सेकंड के ad की कीमत भी 90 लाख जाती है, और कई बार इन्हें बनाने में 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। And trust me, ये खर्चा तो कमाई के सामने कुछ भी नहीं है। अब फ्रेंड्स, नीचे कॉमेंट करके हमारे साथ ये शेयर करना की आपको पर्सनली कौन सा एड कमर्शियल ज्यादा पसंद आया। मेरा मतलब है, कौन से एड कमर्शियल ने आपकी आंखों में सबसे ज्यादा धूल झोंका? Let us know in the comment section। और अब दोस्तों, मैंने बताया कमर्शियल बनाने में इतना टाइम लगता है, उतना ही टाइम यार मेरी एक वीडियो बनाने में भी लगता है। पैसे नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक लाइक दे देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल Get Certified Fact को एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस नहीं कर सको। सो एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।